देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। गाजियाबाद के कविनगर इलाके की पंचशील सोसाइटी के लोग अपना घर छोड़कर जाना चाहते हैं। सैकड़ों लोगों ने अपने घर के बाहर पोस्टर बैनर लगा दिए हैं कि वे अपना मकान बेचना चाहते हैं। कानून व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ गया। हर व्यक्ति सुरक्षा की दृष्टि से सोसाइटी में फ्लैट लेता है जिससे उन्हें सुरक्षा मुहैया उपलब्ध हो सके। अब 50 यार्ड वाली सोसाइटी में 15 दिन के अंदर एक के बाद एक चोरी होने पर फ्लैट ओनर्स ने मोर्चा खोल दिया। सोसाइटी के लोगों ने प्रदर्शन कर फ्लैट बेचने के लिए बैनर पोस्टर लगा दिए हैं। सुरक्षा ने दे ना पाने को लेकर लोगों ने पुलिस और बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। मेरा नाम सुवर्णा त्रिपाठी है। हम लोग पंचशील सोसाइटी में रहते हैं, ये अनाज मंडी के बिल्कुल सामने है, अपर रोड पे है। मामला ये है कि यहाँ अभी 15-20 दिन में 3-4 चोरियाँ हो चुकी हैं, और मतलब हम लोग अपने इतना डर गए हैं कि अपने छोटे बच्चों को कभी किसी काम से निकलना पड़े तो बड़ा डर के बड़े समझा के बच्चों को जाना पड़ता है। कोई अनजान आदमी आया तो बिल्कुल खोलना नहीं। कोई आंटी भी आती है आपकी जानकार की तो आप उनके अंदर एंट्री मत करिए, बाहर से भी बता दीजिए मम्मी नहीं है। मतलब इतना डर गए हैं कि मतलब जाने में भी दिमाग सारा घर में ही लगा रहता है, कोई काम ढंग से प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा है और मेंटेनेंस वाले सुनते नहीं है। एक दो सोचने वाली बात है कि आप एक हाई फाइल सोसाइटी में रहते हैं प्लस ऊपर से सिक्योरिटी इतनी हाई है, क्या कहना चाहेंगे? तभी तो प्रॉब्लम ज़्यादा है। हम तो कह रहे हैं आप मेंटेनेंस देना बंद कर दो हमारा, हम अपनी सिक्योरिटी अपने आप कर लेंगे, यही ऑप्शन रखा था, लेकिन ये वो तैयार नहीं होंगे उसके लिए। तो सिक्योरिटी का क्या कहना है? सिक्योरिटी का कहना है हमने बढ़ा दिए आदमी, लेकिन एक दो दिन चलता है काम, ये चेकिंग होती है, फिर वही वापस वही धरे पे आ जाते हैं। किसी की भी बिना स्टिकर की गाड़ियां अंदर आने लगती हैं। ये लोग दबाव बना रहा है बिल्डर उनके ऊपर कि किसी तरह भी प्रोटेस्ट खत्म हो। कुछ लोग हैं यहाँ बिल्डर के जो आगे प्रोटेस्ट बढ़ नहीं देते हैं यहाँ पे, और RW के लिए हम बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन एक साल से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, RW बनने नहीं दे रहा। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी निकाल के इस चीज़ को दबा दिया जाता है। नाम राजीव है सर, क्या मामला है पूरा इस सोसाइटी का? मामला सोसाइटी है और कहाँ पर स्थित है मामला? ये पंचशील प्रेमरोज है, हापुड़ रोड पे, गोविंदपुरम पे है, और बहुत पुराना सोसाइटी है, प्राइम लोकेशन पे सोसाइटी है। पिछले 10-15 दिन के अंदर में यहाँ तीसरी बार चोरी का, दो बार तो चोरी का अटैम्प्ट हुआ, तीसरी बार चोरी हुई है। तो बात चोरी का है कि चोरी सामान गया वो तो एक बहुत बड़ा मैटर था, बट उस समय घर में सौभाग्यवश इनके घर में कोई नहीं था, रवि रंजन जी के घर पर कोई नहीं था, कोई होता बच्चा फैमिली होती तो शायद कोई बहुत बड़ी वारदात घट सकती थी। हमको पुलिस से ज़्यादा प्रॉब्लम, पुलिस से तो बाद में इन्वेस्टिगेशन करेगी, इतनी हाईली सिक्योरिटी उसमें रह रहे हैं तो बंदा अंदर घुसा कैसे? जब दिन के टाइम पे यह वारदात कर सकता तो रात के टाइम पे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अंदर गेट के अंदर आते हैं, सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ा इशू है, शायद आप भी आए हो तो आपको भी ना पूछा गया हो एक बार। तो बाकी सब चीज़ों के लिए है कि बेसिक कम्युनिटीज़ पर यहाँ पर हम लोग का फाइट चल रहा है कि बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं है। अगर आप चारों तरफ देखें, बच्चे खेल रहे हैं, पार्क की स्थिति देखी, हमारा यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर था उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत फाइट किया बट उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। रात को यहाँ पे 10-10, 11-11 बजे बाहर के लड़के आके लड़कियाँ लेके लड़कियों के साथ घूमते हैं, वो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर यहाँ होती है। इसके लिए हमने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया था, हमने अपने फ्लैट को रीसेल पर, अगर इस तरह का हालात रहेगा हम इस सोसाइटी में रहने इसलिए आ रहे हैं कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, बट हमने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो हमें डेफिनेटली यहाँ से छोड़ के जाने के लिए मजबूर हुए। हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्वक है, हम शांतिपूर्वक अपने प्रोटेस्ट को जारी भी रखेंगे आगे के लिए। सो हमारा प्रशासन से, हमारा बिल्डर से सबसे एक आग्रह है कि इस मैटर को, बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर हो गया है, कल बहुत बड़ी वारदात जो होने वाली हो सकती है अगर आज उसको कंट्रोल नहीं किया गया सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमको। कविनगर थाना क्षेत्र की पंचशील प्राइम रोज सोसाइटी के लोगों ने आरोप लगाया कि सोसाइटी के सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे है। सोसाइटी में सैकड़ों फ्लैट हैं, लोगों का कहना है कि डर इतना ज़्यादा है कि अपना घर बेचकर कहीं और जाना चाहते हैं। गाजियाबाद से संवाददाता राज मोहम्मद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज़। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज़, अपराध के खिलाफ जंग।